एच के नाइन टीम में स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें मैं आप लोगों को प्रतिफत के बारे में डिस्कस कराऊँगा कि प्रतिफत के जो सवाल होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ प्रतिफत की सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि प्रतिफत के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, और फिर उसके बाद में सभी लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज फार्मूला डिस्कशन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसके फार्मूले कौन कौन से होते हैं और इसको लगाने के क्या क्या तरीके होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है सब्सक्राइब शेयर वगैरह लाइक शेयर वगैरह कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है मतलब प्रत्येक सौ। ठीक है, प्रति का आधा मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और ठीक है शत का मतलब होता है, ठीक है, शत का मतलब होता है सौ। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की जो है तुलना सौ से करना, ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारा प्रतिशत कहलाता है। और जिसका हर क्या होता है, हर यानी हर का मतलब नीचे वाला भाग क्या होता है हमारा, सौ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रतिफत को जो है भिन्न को प्रतिफत में बदलने के लिए हम लोग सौ से गुणा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, कोई भी अगर हमारी भिन्न हो उसको हमको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमको उसको सौ से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर भिन्न है, ठीक है, तो आप लोग की स्लाइड आ गई हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सौ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर सवाल है एक बटा छः। ठीक है, पहले तो हम लोग फार्मूला डिस्कशन करेंगे, इसके सभी तरीके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन। तो मतलब अभी फार्मूले के साथ में एक दो एग्जांपल कर लेंगे और फिर जो है अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में उनको कराएंगे। ठीक है, तो एक बटे छः लिखा हो प्रतिफल में बनाने के लिए गुणा सौ करते हैं। तो इस तरीके से करना है, कोई भी भिन्न लिखी हुई इसको प्रतिफल बनाने के लिए सौ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, दो तीन छः, दो पंच दस, दो शून्य शून्य, तो कितना आ जाएगा, पचास बटे तीन प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पचास बटे तीन क्या हो जाएगा भैया, प्रतिशत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक बटा तीन है। ठीक है, एक बटा तीन प्रतिफत में बनाने के लिए सौ से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सौ बटे तीन प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को करना क्या है कि कोई भी अगर भिन्न दिया गया है, ठीक है, अगर कोई भी भिन्न दिया गया है तो प्रतिफत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सौ से गुणा करना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला क्या है कि नंबर दो है कि किसी प्रतिफत को भिन्न में बदलने के लिए सौ से भाग करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर प्रतिफत दिया गया है, जिसे दूसरे नंबर में है, जिसे 25 प्रतिफत दिया गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर भिन्न में बदलना है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू भिन्न, अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सौ से भाग करवा देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 25 बटे में क्या हो जाएगा भैया, सौ हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 होके सौ, एक बटा चार, ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे 20% है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। ठीक है, 20 × 5 = 100 हो गया, तो 1/5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। यानी प्रतिफत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए सौ से भाग कराना है और भिन्न को प्रतिफत में बदलने के लिए सौ से गुणा कराना होता है। ठीक है, अब अगला नंबर देख लें। ठीक है, कि अगर हमसे कहा जाए, ठीक है, क्या कहा जाए, नंबर तीन पे है। ठीक है, हमसे क्या कह दिया जाए भैया कि x का वाई प्रतिफत। ठीक है, अगर हमसे कह दिया गया x का वाई प्रतिफत निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, करेंगे क्या, x वाई का गुणा बटे में क्या कर देंगे, सौ कर देंगे। ठीक है, x और y का गुणा कर देंगे और बटे में कितना कर देंगे, सौ कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं सवाल को। ठीक है, पहला सवाल है, इसी के ऊपर आधारित है कि 500 का 6 प्रतिफत कितना होगा। ठीक है, सॉरी 1500, ठीक है, 1500 का 6 प्रतिफत, ठीक है, 1500 का 6 प्रतिफत, तो ये है x, ठीक है, तो 1500, ये है हमारा y, तो गुणे 6 बटे में कितना कर लेना, 100, ठीक है, 15 × 6 = 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा,
90 हो जाएगा। तो बात समझ में सबके आ गई ना, 100 का वाई प्रतिशत है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 100 गुणा वाई बटे 100। तो इस फार्मूले से निकालेंगे 100 गुणा वाई बटे 100। और एक तरीका यह भी होता है कि का मतलब होता है गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, अगर हम लोग ये नहीं याद रखते हैं तो एक्स का मतलब गुणा वाई बटे में कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है और ये भी तरीका है, दोनों एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या इसी के ऊपर आधारित एक सवाल है। ठीक है, और एक सवाल है उसको हल कर लेते हैं। चलिए, सवाल है हमारा अगला क्या है कि 750 का 16/2/3 प्रतिशत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर आधारित है। सोलह सही दो बटा तीन प्रतिशत। कोई बात नहीं है। ठीक है, का के जगह पे गुणा, तो 750 गुणे, ठीक है, 16/2/3। ठीक है, कैसे करेंगे, 16 3 48 48 2 50/3 हो गया, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 3 2 6 3 5 15 3 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 50 2 100 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 4 2 5 10, तो हमारे कितना हो जाएगा 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इस प्रकार के सवाल को करना है। ठीक है, अब अगला टाइप क्या है हमारा, अगला है कि अगर x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, x को y के प्रतिशत के रूप में अगर हमको व्यक्त करना, तो उसके ऊपर एक सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करके 2100 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, वो 100 रुपया मासिक या, ठीक है, वो मासिक खर्च करना है, वार्षिक बताए ना। ओके, कोई बात नहीं, पहले मासिक समझ लेते हैं। मान के चलो कोई भी व्यक्ति है, वो 100 रुपये कमाता है। ठीक है, उसकी आय कितनी है हमारी, 100 रुपये है। अब यहाँ पर दो चीज़ होंगी, एक तो वो बचा लेगा जिसको बचत बोलेंगे, और एक वो जो खर्च कर लेगा तो उसको व्यय बोल देंगे। ठीक है, अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, कि क्या कहा गया, मासिक खर्च, ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्चा कर देना। ठीक है, अब देखिए खर्चा कितना बताया गया, 30%। ठीक है, खर्चा अगर 30% कर देता है तो बचाता 70% होगा। ठीक है, बचाता कितना होगा, 70% होगा। हमसे पूछा गया है, ठीक है, उसकी वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, उसकी वार्षिक आय हमसे पूछा गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, उसकी मासिक आय को पता करेंगे। मासिक आय हमारी 100 है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उसकी जो है 2100 रुपये बचाता है। अगर यहाँ से 70% बचाता है तो क्वेश्चन में वो कितना बचा लेता, 2100 रुपये बचा लेता है। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2100/70 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा और 7 0 0 हो जाएगा, यानी 1% का मान हमारा 30 है। तो हमको 100% निकालना, चूंकि आय हमारी 100% है, देन 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 × 100 कितना हो जाएगा, 30 × 100 यानी 3, ठीक है, 30,000 हो जाएगा, सॉरी 3,000 हो जाएगा, यानी उसकी मासिक आय। ये तो हमारी मासिक आय निकल के आ गई। ठीक है, ये मासिक आय है। ठीक है, हमको क्या पूछा गया, वार्षिक आय, तो एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसको क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो ये निकल के आई है, ये क्या निकल के आई है, रुपए वार्षिक निकल के आए है। ठीक है, ये जो आय निकल के आई है, वो कितना निकल के आई है, वार्षिक निकल के आई है। तो इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में सबकी आ गई है ना। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप हैं, सभी टाइप को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसी के ऊपर आधारित बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों के लिए, सभी की दृष्टि से देखें। ठीक है, आगे क्या है कि यदि किसी व्यक्ति यदि किसी परीक्षा में एक छात्र एक्स प्रतिशत अंक प्राप्त करके भी ए अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र वाई अंक प्राप्त करके भी, ठीक है,
उत्तीर्ण अंक से बी अंक अधिक प्राप्त करता है तो हम लोग को क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला इसी में इसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में प्रदीप ने 35% अंक प्राप्त करके भी 30 अंक से फेल हो गया, जबकि दीपक, ठीक है, जबकि दीपक 42% अंक प्राप्त करके 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक बताना है। ठीक है, देखिए, चलिए अब पूर्णांक और उत्तीर्णांक बता देना है। ओके, बहुत सारे बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है हमारे पास में ये। चलिए मानो पूर्णांक हमने मान लिया, ठीक है, पूर्णांक को क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, पूर्णांक कितना भी 100% है। फिर क्या कहा गया, कोई एक बंदा प्रदीप है, ठीक है, ठीक है, प्रदीप क्या कर रहा है, दो बंदे हैं, ठीक है, प्रदीप एक बंदा है। अब देखो क्या कह रहा है, वो 35% अंक प्राप्त कर लेता है, बहुत बढ़िया, 35% अंक प्राप्त कर लेता है, लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है। अब उसको पास होने के लिए कितना चाहिए भैया, 30 अंक और चाहिए, ठीक है, 30 अंक कितना चाहिए और चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे एक बंदा दीपक है, ठीक है, दीपक क्या करता है, उसको कितना 42% अंक प्राप्त होता है, 42% मिलता है, ठीक है, और वो क्या करता है, आवश्यक अंक से 12 अंक ज़्यादा पा जाता है। अगर इसको भी पास ही करना होगा तो ये 12 नंबर कम पाएगा, ठीक है, अगर इसको 12 नंबर कम कर देंगे तो ये बराबर अंक पाएगा पास होने की उतना, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, अब दोनों के अंक हो गए इक्वल्स टू, भैया ये इतने में पास हो रहा है, ये इतने में पास से ज़्यादा पा रहा है, तो घटा देंगे तो भाई इसको भी पास होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल्स हो गए, देन 35% इक्वल्स प्लस 30 इक्वल्स टू 42% माइनस 12, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 35% माइनस 42% इक्वल्स टू माइनस 12% माइनस 30%, ठीक है, ये घटेगा तो माइनस, ठीक है, 7 आ जाएगा, 7% इक्वल्स टू माइनस का 42% हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कर दिया, ठीक है, 7×42 यानी 1% इक्वल्स टू 42, ठीक है, 600, ठीक है, 1% 600, हमने पूर्णांक को 100% माना था, पूर्णांक हमारा क्या 100% है, देन 100% निकालने के लिए 100% 1% इक्वल टू 6 और 100% इक्वल टू 6×100, ठीक है, तो कितना हो गया 600, पूर्णांक कितना हो गया 600। अब क्या बताया गया है इसमें कि उत्तीर्णांक भी ज्ञात करना है, तो ये इतना उत्तीर्णांक है, ये इसका उत्तीर्णांक है, ये इसका उत्तीर्णांक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब उत्तीर्णांक निकालेंगे बेटा, पूर्णांक निकल के आ गया, ठीक है, ये पूर्णांक हमारा निकल के आ गया, हमको उत्तीर्णांक निकालना है, ठीक है। देखिए उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे, 600 का 35%, ठीक है, 600 का 35% पा रहा है, जिसमें से 30 कम भी पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है, 6×5 30 हो गया और 6×3 18, ठीक है, 8×3 11 210 हो गया, प्लस 30 हो गया, ठीक है, अगर जोड़ देंगे तो 240 नंबर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो 240 नंबर पाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा उसको, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, उत्तीर्ण हो जाएगा, बात समझ में सबको आ गई ना, ठीक है, पूर्णांक निकालने का तरीका हमारा समझ में आ गया सभी को ना, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और दूसरे टाइप से कर लेते हैं, ठीक है, ये सभी जो हैं ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, और इसके बाद में लेके आऊँगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, बढ़िया वाले क्वेश्चंस जो हमारे पास में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ठीक है, बस आपको देना ही देना बचा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न अगला है कि विजयनगर पालिका के चुनाव में 40% वोट प्राप्त करके भी 500 वोट से हार गया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े होंगे। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से प्रश्न आते बहुत हैं, ठीक है, और ये नचाते बहुत हैं, आते हैं और नचाते हैं, दोनों काम होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं वो समस्या कहाँ पर आती है, उस समस्या को हम लोग आज ही हल कर लेंगे। चलिए हमसे क्या पूछा गया है, कुल कितने वोट पड़े, ठीक है, कुल वोट ध्यान समझिएगा, कुल वोट 100%, 100% कोई वोट पड़े थे, ठीक है। फिर देखिए
बात समझिए, ठीक है, बात को समझना है कैसे लगाना है। दो व्यक्ति थे, ठीक है, दो व्यक्ति थे, एक ने 40% अंक प्राप्त किए वोट प्राप्त किए, एक ने 7% वोट प्राप्त किए होंगे। ओके, अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए, 500 वोटों से हार गया, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, ठीक है, उसने क्या किया है, 500 वोटों से हार गया है, ठीक है, 500 वोटों से वो हार गया है, ठीक है। तो देखिए, अब जरा एक चीज समझिए, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 500 वोटों का मतलब क्या होता है, यानी अगर इसको 500 मिल जाए, ठीक है, इसने 40% प्राप्त किया, 500 और प्राप्त हो जाए तो इसके बराबर हो जाएंगे, जीत जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इसको जिता देना है, ठीक है, चलिए, तो जीतने का मतलब, अगर यहाँ इसका डिफरेंट देखें तो 20 का डिफरेंट है, ठीक, 20 का डिफरेंट है, और इतना वोट जो है वो क्या पा रहा है भैया, कम पा रहा है, ठीक है, ये इतना वोट कम पा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर 500 कर देंगे, या नहीं समझ में, बात समझो, ठीक है। ये देखिए, अगर 40% ये पा रहा है और अगर 500 पा जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60% के बराबर में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 40-60=5, ये माइनस में होगा, लेकिन हमको माइनस में नहीं करना, ठीक है, या फिर करना चाहो माइनस में कर लो, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा माइनस का 20% हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 500, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1% इक्वल्स टू 500/20, ठीक है, हमको कुल वोट 100% निकालना, देन 100% इक्वल्स टू 500/20×100, ठीक है, 20 × 25 = 5, 25 = 25, ठीक है, 2500, कुल वोटों की संख्या कितनी बेटा, 2500 है, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई है ना, सभी बंदों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चूंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपकी परीक्षाओं में कभी ना कभी आ जाते हैं, और जो है हम लोग गलत कर देते हैं सवाल को लगाने में, ठीक है, इस टाइप से सवाल को लगाने में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग के लिए प्रतिफल जो है आपका चैप्टर जो है वो लगभग 3 वीडियो का होगा, ठीक है, तो 3 वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, मेरी 3 वीडियो देख लीजिएगा, प्रतिफत का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाए, ठीक है, आप लोग सभी सवाल को कर लेंगे, बस मेरी 3 वीडियो को देखिएगा, और प्रतिदिन सुबह 7 बजे, ठीक है, एक रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ मैं, पर डे सुबह 7 बजे ही आपको मिलेगा वो वीडियो, तो पर डे सुबह 7 बजे आप लोग फ्री होकर के बैठिएगा और कुछ उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि सीता की मासिक आय, ठीक है, मैं 10% की वृद्धि होने पर अब उसने पहले से 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उसकी मासिक आय को बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सीता की मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मान के चलिए सीता थी वो पहले, अगर उसकी पहले की मासिक आय देखें, ठीक है, पहले की आय, पहले की आय 100% थी, ठीक है, पहले की आय कितनी थी बेटा उसकी, 100% थी, अब उसको क्या बता रहा है, अब, ठीक है, अब क्या हो गया, उसको 10% बढ़ गया, यानी 110 प्राप्त कर रही है, फिर क्या कहा गया कि 200 अधिक प्राप्त करते, यानी यहाँ से यहाँ आने में 200 अधिक प्राप्त करते, ओके, मान के चलिए 200 यहाँ बढ़ा दे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 100% बराबर प्लस 200 बराबर में 110%, इसको इधर ले आएंगे तो 100% माइनस 110% बराबर माइनस का 200, ठीक है, अब दोनों को अगर घटा देंगे तो माइनस का 10% इक्वल टू माइनस का 20%, 20, देन 1% इक्वल टू 200/10, 100% निकालना, उसकी मासिक आय निकाल देना है, तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 200/10×100, 10 से कट गया, 2000 रुपीज़ निकल के आ गए है। अब अगर ये वाला फंडा लगाना चाहे तो फंडे से भी लगेगा, आप लोग यहाँ से लगाना चाहे लग जाएगा सीधे, यहाँ का अंतर 10 है, वहाँ क्वेश्चन में 200 रुपये दिया गया है, ठीक है, देन 1 का निकल के आ गया 20, और 100 का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये सीधे भी निकल के आ जाएगा, इतना लंबा करना पड़ेगा, या तो आप लोग शॉर्ट मैथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए कि एक परीक्षा में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं कि एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, और 15% विद्यार्थी
विज्ञान में, और 8% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, ठीक है, दोनों में फेल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बात समझें। चलिए देखिए करना क्या, की परीक्षा में गणित में मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, 25% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या हो रहा है विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान विषय में 15 है, ठीक है, साइंस में कितना, अभी 15% फेल हो गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ 8%, यानी बोथ में अगर देखा जाए दोनों में जो 8% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को करना क्या है, ठीक है, दोनों को, जहाँ दोनों की बात होगी जहाँ अलग अलग बात होगी तो अलग अलग को जोड़ के दोनों से घटा देना है, ठीक है। अनुत्तीर्ण अगर विद्यार्थी निकालना है, ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण प्रतिशत विद्यार्थियों का निकालना है, तो देखो जो भी हमारे अलग अलग विषय में फेल हुए उनको जोड़ना पड़ेगा और दोनों विषय वालों को घटाना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, कैसे कि 25 से 8 घटाओ, ठीक है, 15 से 8 घटाओ, फिर दोनों को जोड़ दो, यही आएगा, ठीक है। तो एक बार में कर लेते हैं, तो हम लोग करेंगे 5 3, ठीक है, 5 5 10 हो गया, और 2 1 3 1 4 -8, अगर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32%, 32% विद्यार्थी क्या हो गए बेटा, अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है बेटा 100% होती है, ठीक है, 100% होती है, उसमें से 32% अगर फेल हो गए तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे बेटा, 68% जो है विद्यार्थी क्या हो जाएंगे भैया, पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई सभी को ना, ठीक है, ये चीज़ें सभी को क्लियर अप हो गया है, ठीक है। तो ये थे आज से कुछ हमारे क्वेश्चंस जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, मेरे द्वारा दी गई पढ़ाई या मेरे द्वारा दी गई जो भी शिक्षा है, जो भी चीज़ है, आप लोग को समझ में आ रही है। अगर जो भी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन के नीचे भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, वो चीज़ हमसे बताइए, हम उसको अगले वीडियो में साफ करने की कोशिश करेंगे। और जो भी टॉपिक आप लोग को पढ़ना है उस टॉपिक का जो है नाम लिख करके अगर आप लोग भेज देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं अगले दिन उसी टॉपिक के ऊपर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखेंगे। मेरा गणित पढ़ाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप लोग केवल BTC को पास करें, मेरा गणित पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि आप लोग टेट, सुपर टेट या सीटेट जो भी आता है, जितने भी यूपी के बेस्ड या हल्के, ठीक है, यूपी बेस्ड जो हमारे सिलेबस होते हैं उसमें मैथ का पोर्शन आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर अप कर पाएँ, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, नमस्कार, जय हिंद।